मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास एट्थ के जो स्टूडेंट्स हैं, आज हम सिविक्स का जो चैप्टर नंबर टू है उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। चैप्टर टू के, सिविक्स का चैप्टर टू, इसका चैप्टर का नाम था अंडरस्टैंडिंग द सेकुलरिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके चैप्टर नंबर टू के क्वेश्चन आंसर सिविक्स के। जैसा कि मैंने बोला था आपको, आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर वन ये है, लिस्ट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस। अलग अलग टाइप की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस होते हैं, अलग अलग टाइप के जो धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, दैट यू फाइंड इन योर नाइबरहुड, जो आप अपने पड़ोसी में, पड़ोसियों से पाते हो या आप अपने पड़ोस में देखते हो। दिस कुड बी डिफरेंट फ्रॉम प्रेयर वर्शिप और डिफरेंट गॉड्स, सैक्रेड साइट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग एक्सेट्रा। तो ये सब अलग अलग टाइप के जो है धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, अलग अलग प्रकार के जो है धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग इन्हें करते हैं। तो वही आपको एक लिस्ट बनानी है। तो चलिए देखते हैं लिस्ट क्या है, कहती है आपकी। तो आंसर कुछ इस प्रकार है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिसेस दैट वी कैन सी इन आवर नाइबरहुड आर एज फॉलोस। ए सिख पर्सन वर्शिप इन अ गुरुद्वारा, जो सिख लोग हैं वो गुरुद्वारे में जो है वर्शिप या पूजा करते हैं, ठीक है, आप इतना ही लिख दोगे तो भी बहुत है, ठीक है। टू गुरु नानक, और गुरु नानक की पूजा करते हैं, यूजिंग गुरु ग्रंथ साहब, उनका पवित्र धर्म है, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है, सॉरी। टू ए मुस्लिम वर्शिप इन अ मॉस्क्यू, जो मुस्लिम लोग होते हैं वो कहाँ पे अपनी जो है अजान अदा करते हैं, मस्जिद में है। एंड द सेक्रेट बुक इज़ कुरान, इतना नहीं लिखना, बस वर्शिप इन मॉस्क्यू, इतना कर दोगे तो भी काम चल जाएगा। अ क्रिश्चियन वर्शिप इन जीसस क्राइस्ट, एक जो क्रिश्चियन जो होता है जीसस क्राइस्ट की पूजा करता है और चर्च में पूजा करता है, होली बुक बाइबल है, ये सबको पता है, ठीक है। आगे है, ए हिंदू वर्शिप इन अ टेम्पल, जो हिंदू होते हैं वो मंदिरों में पूजा करते हैं, ठीक है, टू द आइडल्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर वन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। क्वेश्चन नंबर टू कुछ कह रहा है आपसे, विल द गवर्नमेंट इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप से दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड, गिव रीजन फॉर योर आंसर। क्या गवर्नमेंट ऐसे लोगों को रोकती है, इंटरवीन करती है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि वो जो है प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड, जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब शैशवावस्था जो होती है बच्चे की, उसको इन्फेंटिसाइड कहते हैं, शैशवावस्था, ठीक है, जो कि आपकी जीरो से स्टार्ट होती है और आपकी लगभग लगभग हम 6 माह या 1 वर्ष तक मान लेते हैं, ठीक है। ये तो यस द गवर्नमेंट आंसर है, जब शिशु होता है बच्चा। यस द गवर्नमेंट कैन इंटरवीन इफ सम रिलीजियस ग्रुप से दैट देयर रिलीजन अलाउ देम टू प्रैक्टिस इन्फेंटिसाइड। बिल्कुल सरकार को रोकना चाहिए, अगर कोई भी धार्मिक या कोई धर्म जो है ये कहता है कि उनका धर्म जो है अलाउ करता है प्रैक्टिस ऑफ इन्फेंटिसाइड, दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है वो क्लियरली जो है स्टेट दैट द गवर्नमेंट हैज़ द राइट टू इंटरवीन। भारतीय संविधान में ये प्रावधान है कि सरकार के पास जो है अधिकार है कि वो ऐसे धार्मिक क्रियाकलापों को रोक सकती है, ठीक है, उनके पास राइट है, ठीक है, एंड इंटरवीन, राइट टू इंटरवीन। नेक्स्ट है, आपको इतना लिखना है, पूरा नहीं लिखना आपको, आपको लिखना है राइट टू इंटरवीन। यहाँ से कर लेते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट दैट द गवर्नमेंट हैज राइट टू इंटरवीन इफ देयर इज अ थ्रेट टू सोशल हार्मोनी, अगर इसके कारण जो है धार्मिक जो सहिष्णुता है वो बिगड़ने का कारण होता है, जैसे कोई दो धर्मों में लड़ाई होता है, ठीक है, सोशल हार्मोनी मतलब प्यार, सामाजिक प्यार, ठीक है, अगर कहीं भय हो कि सामाजिक प्यार, प्रेम ना बिगड़ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, गवर्नमेंट को राइट देता है ऐसी चीज़ों को रोकने का। बस इतना आपको लिखना है, आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री पे चलते हैं स्टूडेंट्स, एक लिस्ट बनानी है थ्री में आपको, ये वो लिस्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, तो टेबल को आपको भरना है,
ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. तो ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, तो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. यहाँ दे रखा है क्वेश्चन की तरह आप समझेंगे, क्वेश्चन है कि क्यों एक जो रिलीजियस कम्युनिटी होती है, एक धार्मिक जो समुदाय होता है, दूसरे धार्मिक समुदाय को या दूसरी कम्युनिटी को डोमिनेट प्रभाव नहीं डाल सकता, उसको दबाव उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकता. वाई इज दिस इम्पॉर्टेंट, ये आपको आंसर में देना है, एग्जाम्पल देना है एक वायलेशन का कि हाँ अगर कहीं दबाव डाला जा रहा है तो वो किस रूप में डाला जा रहा है. आगे है द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. राज्य जो है एनफोर्स नहीं करेगा एनी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म किसी एक निश्चित धर्म को वो जो है बढ़ावा नहीं देगा, है ना. नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, और ना ही किसी एक व्यक्ति की जो है रिलीजियस जो फ्रीडम होती है, जो धार्मिक जो है स्वतंत्रता होती है, उसे दबाएगा. ये आपको वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट और एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन, ये सब आपको भरना है. आगे है क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर. किसी एक सोसाइटी के मेंबर दूसरी सोसाइटी के मेंबर को डोमिनेट नहीं कर सकते, प्रभाव नहीं डाल सकते. ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी, और जो मेंबर हों सेम रिलीजियस कम्युनिटी के हों. जैसे आप हिंदू धर्म को ले लो, तो हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, तो जाति व्यवस्था में जो है कोई एक जाति जो है दूसरी जाति पर जो है प्रभाव नहीं डाल सकती है, ठीक है. तो इसको टेबल को हम ऐसे भर देते हैं, ये आपके सामने दे रखा है. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, आगे है वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अदर, इसका आंसर है वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एस्टेब्लाइजिंग द हारमोनी इन द सोसाइटी, समाज में जो है प्रेम या प्रेम बढ़ाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि एक कम्युनिटी जो है दूसरी पर डोमिनेट ना करे, दूसरे पर प्रेशराइज ना करे, दूसरी जो कम्युनिटी है उसको प्रेशराइज ना करे, ठीक है. वायलेशन कहाँ हो रहा है, इसमें आपको भरना है वायलेशन. ए मुस्लिम फैमिली लिविंग अमंग द हिंदू पीपल, एक मुस्लिम फैमिली है जो हिंदू लोगों के बीच रहती है, इन अ लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में, इस फॉरबिडन टू ऑफर नमाज, उन्हें नमाज नहीं जो है पढ़ने दी जाती, ठीक है. ये वायलेशन है, एग्जाम्पल ऑफ वायलेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव. या फिर एक हिंदू फैमिली मुस्लिम ग्रुप के बीच में रह रही है और उन्हें मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता या उन्हें पूजा नहीं करने दी जाती, ये वायलेशन है. ए हिंदू रिलीजियस प्रोसेशन इज़ नॉट अलाउड टू क्रॉस अलॉन्ग द रोड पासिंग थ्रू अ मॉस्क्यू. कुछ हिंदू रिलीजियस प्रोसेस है जो धार्मिक हम पूजा करते हैं, एक ऐसी जगह है जहाँ मुस्लिम्स हैं और जहाँ उनकी मस्जिद के पार हमें जो है जाने नहीं दिया जाता है, ठीक है. तो ये वायलेशन है, नॉर्मल है, पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं. आगे है द स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल. अभी मैंने समझाया था, राज्य ना तो कोई धार्मिक क्रियाकलाप चलाएगा, ना ही किसी धर्म को बढ़ावा देगा और ना ही किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनेगा, धार्मिक स्वतंत्रता. तो इट इज एजेंशियल इन ऑर्डर टू एस्टेबलाइज द आइडियल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ये इम्पॉर्टेंट है. वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि जो भारतीय संविधान के जो आइडियल्स हैं उनको बनाए रखने के लिए. अब भाई साहब इसमें आपका डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद वायलेशन ये है आपका, ठीक है. आगे है दैट सम मेंबर्स डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम रिलीजन्स. एक ही समाज में दो सोसाइटियां हैं, ठीक है, एक ही धर्म में, ये समझ लो, जो दूसरे को डोमिनेट ना कर सके, प्रेशराइज ना कर सके. व्हाई दिस इज इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द इक्वलिटी इन द सोसाइटी. अभी समझाया था समाज में जो है समानता बनी रहे. अभी मैंने समझाया था जैसे हमारे ही धर्म में, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था है, तो वो वायलेशन कब होगा, दलित्स आर डिस्करेज टू द एंटर इन टेम्पल, जब दलितों को जो है मंदिरों में जाने से रोका जाए, तो ऐसी कंडीशन में वो वायलेशन हो जाएगा, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है, कोई नहीं. लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ द हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल. आपका आपके स्कूल का जो हॉलीडेज का जो कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर है, उसे देखो. हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू द डिफरेंट रिलीजन्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट. इनमें से कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग जो धार्मिक चीज़ों को दिखाते हैं, मतलब अलग अलग धार्मिक
जैसे ईद है, होली है, दिवाली है, इस तरह की व्यवस्था की छुट्टियाँ दी गई हैं। वॉट डज दिस इंडिकेट, ये क्या दिखाता है? तो कुछ नहीं है। द एनुअल कैलेंडर ऑफ आवर स्कूल मार्क्स अ हॉलीडे लाइक ईद, हमारे स्कूल का जो एनुअल कैलेंडर है उसमें ईद की छुट्टियाँ होती हैं, विच इज़ सेलिब्रेटेड बाई द मुस्लिम्स, दिवाली विच इज़ सेलिब्रेटेड बाई द हिंदू एंड इट इज़ अ हिंदू फेस्टिवल, क्रिसमस विच इज़ सेलिब्रेटेड बाई द क्रिश्चन्स एंड गुरु नानक जयंती विच इज़ अ सिख फेस्टिवल। दिस प्रूव्स दैट द इंडियन इज़ इंडिया इज़ अ सेकुलर कंट्री एंड एंड एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ये प्रूव करता है कि भारत जो है पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका कोई एक धर्म नहीं है और प्रत्येक व्यक्ति का क्या है, एक राइट है कि वह कोई भी धर्म जो है स्वीकार कर सकता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड आउट सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। सब एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यू विद इन द सेम रिलीजन, एक ही धर्म में जो है अलग अलग जो है व्यूज होते हैं, उसके एग्जाम्पल हैं हिंदू वर्शिप डिफरेंट आइडियल्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस, हिंदू लोग अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो ये एक ही धर्म में अलग अलग चीज़ें। मुस्लिम आर डिवाइडेड इनटू सिया एंड सुन्नी, मुस्लिम सिया सुन्नी में विभाजित है। फॉलो ऑफ लॉर्ड महावीर आर कॉल्ड जैन, बुद्धिस्ट फॉलो आर डिवाइडेड इनटू महायान और हीनयान, बुद्ध लोग जो है हीनयान और महायान में डिवाइड है। ठीक है, आगे है इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन। द इंडियन स्टेट्स बोथ कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल एज द इंटरवेंस इन रिलीजन, दिस इज आइडिया कैन बी क्वाइट कन्फ्यूजिंग, डिस्कसिंग दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग द एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विद। द इंडियन स्टेट, भारत जो राज्य है, कीप अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल एज द इंटरवेंस इन द रिलीजन, धर्म को जो है दूर रखता है और धार्मिक जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ में जो है वो हर एक चीज़ में इंटरवेंट ना हो जाए, हर एक चीज़ में जो है धार्मिक क्रियाकलाप हमारे एंटर ना कर सकें। तो आंसर है द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम द रिलीजन एज वेल एज द इंटरवेंस इन रिलीजन इफ पर्सन विद द मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप गेट्स द स्टेट पावर। मतलब कोई एक जो है मेजोरिटी में जो रिलीजियस ग्रुप है उसके पास स्टेट पावर नहीं आनी चाहिए, मतलब जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिस धर्म के लोग जो है बहुसंख्या में हैं, उनके पास जो है राज्य की शक्ति नहीं आनी चाहिए, है ना। उस कंडीशन में जो है आपके जो फंडामेंटल राइट्स दबा दिए जाएंगे। ही मे यूज़ द पावर टू डिस्क्रिमिनेट एंड प्रोसिक्यूट, तो अगर उसके पास ऐसी पावर पहुंच जाएगी तो वो उस पावर का यूज़ करेगा डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव करने के लिए, प्रोसिक्यूट मतलब दबाने के लिए, या दूसरों को प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है, दूसरों पर अत्याचार करने के लिए। द पीपल ऑफ द अदर रिलीजन्स, आगे है द मेजोरिटी में इवन डिप्राइव द माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी है वो माइनॉरिटी को क्या कर सकती है, डिप्राइव कर सकती है और प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक अनटचेबिलिटी स्टिल एग्जिस्ट इन हिंदू, जो हिंदुओं में अभी भी जो है अस्पृश्यता है, छुआछूत की भावना जो होती है वो अभी भी है। इफ़ द स्टेट पावर इज हैंडेड ओवर टू अ पर्सन बिलोंगिंग टू द अपर कास्ट, अगर जो स्टेट की जो पावर है किसी एक ऐसे व्यक्ति को दे दी जाए जो अपर कास्ट का हिंदू है और वो मेजोरिटी में है, तो उस कंडीशन में ही मे यूज़ इट एज अ वेपन, तो उसे वो एक हथियार की तरह यूज़ कर सकता है अगेंस्ट द लोअर कास्ट पीपल, जो लोअर कास्ट लोग हैं, ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट से संबंधित जो लोग हैं उनके खिलाफ, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट स्टेट। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।